तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। दोस्तों कभी कभी किचन में कुछ ऐसी रेसिपी चाहिए होती है जिनको बनाना बहुत आसान हो, फिलिंग हो और जिसमें ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी ना हो। तो एक बार आप ऐसे एग पुलाव बनाकर देखना, बहुत ही यूनिक रेसिपी है और सीरियसली बहुत ही अमेजिंग है। चावल चाहिए और चावलों को सबसे पहले मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया है। मैंने यहाँ पर 1.5 कप बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। इनको 2 से 3 बारी अच्छे से धो लिया था बिल्कुल आराम आराम से और इनको मिनिमम 15 से 20 मिनट के भीगने के लिए छोड़ दिया है ताकि चावल अच्छे लंबे लॉन्ग रेंज। जितनी देर में चावल भीग रहे हैं उतनी देर में हम यहाँ पर सारी कटिंग चॉपिंग कर लेंगे क्योंकि कटिंग चॉपिंग में मैंने ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करी है ताकि आपको भी मेहनत बिल्कुल ना करनी पड़े। तो सब्जियां तो मैंने यहाँ पर कैप्सिकम ली है, गाजर ली है, थोड़ी सी हरी मिर्च ली है स्पाइसी बनाने के लिए, साथ में बीन्स प्याज और मटर है। मैं आपको थोड़ी सी काटने की टेक्निक बता देता हूँ। जैसे कि शिमला मिर्च मैं ऐसे ऊपर और नीचे से काट लेता हूँ और अब जो ऊपर वाला पार्ट है ना जो इसकी स्टेम है बहुत आराम से निकल जाएगी और ऐसे कटिंग करने से कैप्सिकम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अब जो सेंटर वाला पार्ट है आप उसको चाकू से बहुत आराम से निकाल सकते हो और आप ये देखो वेस्टेज क्या है, 0 है ना बिल्कुल। तो ऐसे ही कैप्सिकम काटना चाहिए, आप बस कैप्सिकम के ऐसे पीसेस काट लेना, ज़्यादा बड़े मत रखना, थोड़े छोटे ही रखना ताकि पुलाव में वो अच्छे से गल जाए। साथ में मैंने यहाँ पर प्याज को स्लाइसेस में किया है, मैंने आपको बोला था ना ज़्यादा मेहनत नहीं करो, बस आप प्याज को छिल कर हाफ में डिवाइड करना, इसको भी हाफ में करना और बस ऐसे स्लाइसेस निकाल देना पड़ा है ना बहुत सिंपल। गाजर को भी आप छोटे छोटे पीसेस में काट लेना। अब मैंने जानबूझ के हरी मिर्च जो है इसमें बस एक चीरा मारा है, आप चाहो तो आप हाफ कट कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए। मैंने सिर्फ चीरा लगाया है ताकि अगर किसी को स्पाइसी ना खाना हो तो हरी मिर्च आराम से निकाल दे और चीरा लगाने से हरी मिर्च फूटेगी नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट बीन्स को बस आप ऐसे बड़े बड़े पीसेस में नहीं रखना, ये आराम से गल जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। बस दोस्तों यही थी सारी कटिंग चॉपिंग। मटर तो मैंने फ्रोजन इस्तेमाल करे हैं तो उनको बस गर्म पानी में डाल के रखना है। अच्छा, थोड़े से गर्म मसालों का इस्तेमाल किया है जैसे कि दालचीनी है, थोड़ी सी काली मिर्च है, लौंग आप यहाँ पर डालना, काफ़ी सारी छोटी इलायची डाली है और एक बड़ी इलायची, और फ्रेशनेस के लिए ये बिल्कुल ऑप्शनल है मैंने धनिया और पुदीने का इस्तेमाल किया, फ्रेश धनिया है और पुदीने का पाउडर है, बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों आपके ऊपर। अंडे आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने देसी अंडों का इस्तेमाल किया है, 4 ही बहुत है क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए बना रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं बिल्कुल आप ज़्यादा अंडे डाल सकते हो आपके ऊपर है। आप फटाफट से कुकिंग शुरू करते हैं। पुलाव दोस्तों एक्चुअल में जो रेसिपी है वो पिलाव है और पिलाव हमेशा घी में ही बनाए जाते हैं, सैचुरेटेड फैट में। तो दोस्तों इसको देसी घी में ही बनाना और सीरियसली रिजल्ट में बहुत फ़र्क आता है। घी जैसे ही गर्म हो जाए इसमें आप जीरा डालना और जीरा पॉप करना चाहिए, यानी कि गर्म गर्म घी में आपने डालना है और इसी में ही आपने यहाँ पर खड़े मसाले भी डालने, थोड़ा सा ये अपने ऑयल रिलीज करेंगे, फ्लेवर छोड़ेंगे घी में और वो ही फ्लेवर ट्रांसपोर्ट करेगा पूरी इस डिश में। बस फटाफट से आप यहाँ पर प्याज डाल देना और ज़्यादा मैंने आपको बोला था ना मेहनत नहीं करूँगा, तो प्याज को यहाँ पर आपको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। जैसे ही हल्का हल्का कलर आने लग जाए प्याज में आप यहाँ पर हरी मिर्चों को डाल देना। अब ट्रांसलूसेंट होने लग गए प्याज तो सारी सब्जियाँ डाल देना, सारी की सारी कैप्सिकम गाजर सब एक साथ डाल देना, मटर भी डाल देना और इनको थोड़ी देर तक रोस्ट करेंगे ताकि इनकी जो ऊपर की सरफेस है वो थोड़ी सी पक जाए। बीच बीच में आप यहाँ पर इनको स्टर करते रहना ताकि सारी तरफ अच्छे से पके, ऐसा ना हो नीचे ज़्यादा पक जाए ऊपर रह जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद लगभग 3 से 4 मिनट पकाने के बाद आपने यहाँ पर नमक डालना है, पुदीना जो ड्राइड पुदीना है वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, साथ साथ धनिया भी डाल दिया है, इसको पहले अच्छे से मिला देता हूँ और फिर मैंने यहाँ पर गरम मसाला भी डाल दिया है। बस अब इसको अच्छे से मिला देना और अब आपने यहाँ पर पानी डालना है। पानी कितना डालना है, हमने टोटल 1.5 कप चावल लिया है तो उसकी डबल क्वांटिटी से थोड़ा कम, मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 कप और उसके साथ साथ 3/4 कप, यानी कि 3 कप से थोड़ा कम, जानबूझ के कम लिया है ताकि स्टीम में एंड में चावल एकदम खिले खिले बने। पानी डालने के बाद आप यहाँ पर नमक और डाल देना चावलों के लिए, पहले हमने नमक डाला था सब्जियों के लिए, अब हमने नमक डाला है चावलों के लिए और फिर आप यहाँ पर चावल डाल देना। चावल डालते ही मैंने इनको फ्लैट कर दिया है और अंडे की हेल्प से या किसी भी चीज़ से थोड़ा ऐसे इंडेंटेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे गैप होगा तो अंडे वहाँ पर सेट हो जाएंगे। बस एक एक करके आप यहाँ पर अंडे डाल देना, ध्यान रहे कटोरी से डालना, डायरेक्टली ऊपर से मत तोड़ देना, नहीं तो कई बार ऐसा होगा कि योग फट कर आपकी चावलों के अंदर ही चला जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पहले कटोरी में तोड़ना और धीरे धीरे करके अंदर डालना। अंडे के ऊपर बस आप यहाँ पर नमक डाल देना फिर से, यानी कि 3री बारी यहाँ पर नमक आया है, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर फ्रेश धनिया पुदीना और थोड़ा सा गर्म मसाला और डाल दिया है और बस अब आपने इसको ढककर पकाना है।
कुछ भी नहीं करना, एकदम लो फ्लेम पर आप इसको छोड़ देना 10 मिनट के लिए खड़ी से लेकर। 10 मिनट में चावल भी पक जाएंगे अच्छे से, अंडे भी अच्छे से पक जाएंगे। एग्जैक्ट 10 मिनट दोस्तों आप इसको आराम से पकने देना। 10 मिनट के बाद आप बस कोने में देखना, कोने में हल्की सी कढ़ाई को स्लांट करके या ऐसे स्लाइड करके आप देखना, अगर पानी दिखता है आपको तो आप चावलों को एक बार थोड़ा सा खा कर देखें। अगर चावल पक चुके हैं तो आप इसको खुले में पका लें, अगर चावल थोड़े से कच्चे लग रहे हैं आपको तो आप इसको ढक कर थोड़ी देर और पका लेना ताकि पानी से और भाप से वो और पक जाए। बस जब आपका सारा पानी उड़ जाए, ये देखो आप सारा पानी उड़ गया, अब आपने क्या करना है कि गैस को एकदम ऑफ करना है, इसको ढकना है और इसको रेस्ट करने के लिए 10 मिनट। ये देखो एक वाले पुलाव बन के पूरे तैयार है। इसमें अंडा बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मलाई, आप ये देखो एग योग बिल्कुल मलाई जैसा है, और जो एग वाइट है वो आराम से पूरा मिल जाता है, और चावल तो आप देख ही सकते हो कि इतने खिले खिले बने। सिंपल रेसिपी है दोस्तों, अगर आप बैचलर हो यार, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।